लेकिन आप लोग के लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड लगा। इमरजेंसी हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, आप टाइमिंग पे लहंगा सच बताऊं बहुत ज्यादा महंगा है, और अगर आप रिसीव नहीं कर सकते तो आप अपना जो बिजनेस नंबर है आप उसको बंद रखो। अब जो मुझे शॉक्ड लगा है, मतलब आई वॉज, इसीलिए मैं पापा के साथ जाऊंगी थोड़ी सी शेरनी बन के। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याश्मिन एंड वेलकम बैक टू माय डे 16 ऑफ डे 60 व्लॉग वीडियो चैलेंज। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ, लेकिन आप लोग के लिए एक बैड न्यूज़ है क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा है। जब मैं कल लहंगा लेके आई थी, कल तो बहुत लेट में हम लोग घर भी पहुंचे थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, फिर हमें मुझे मेरी मम्मी को मिलकर डिनर पे बनाना था, उसके बाद फिर जो भाइयों के कपड़े हमने लिए थे उन सबके मेजरमेंट्स देने थे, तो कल ही हमारा बेसिकली सारा ही शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था क्योंकि मेरे जो कज़न ब्रदर थे उन लोग को आज वापस जाना था कुछ अर्जेंट बेसिस पे वहाँ, तो इसीलिए जो कुछ भी ऐसे काम थे वो सब हमने कल किए हैं। और कल 11:30 बजे के आसपास में मैं लहंगा अपने रूम में लेके आई थी और मैं बोली थी कि छोड़ो इसको ऐसे ही पैकेजिंग में डाल देते हैं, ट्रॉली बैग्स वगैरह में। देखो ट्रॉली बैग्स भी खरीद के हमारा आ चुका है, बहुत बड़ा ट्रॉली बैग्स है क्योंकि मेरे पास कपड़ों के कलेक्शंस बहुत सारे हैं अभी, तो मतलब एक ट्रॉली बैग मेरा ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये दो ट्रॉली बैग्स हैं, इसके साथ साथ अभी 4 ट्रॉली बैग्स और लेने हैं और उसके बाद 3 और लेने हैं थोड़े छोटे साइजेस में क्योंकि कलेक्शंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शंस, तो सबको ऐसा फुल करना होगा ना। तो आज मैं किसी भी ट्रॉली बैग में कोई भी कपड़े नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कल है अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन्नबी, तो मैं मम्मी को बोली हूँ कि कल मिलादुन्नबी एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, तो इसीलिए उसी दिन आप बिस्मिल्लाह करके खुद ही नए कपड़े सारे आप ही पैक करना शुरू कीजिएगा, मैं अभी सब में हाथ नहीं लगाऊंगी, तो वही हम लोग कल इसको पैकिंग करेंगे। वैसे जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा उस दिन मिलादुन्नबी है, तो आप सबको मिलादुन्नबी बहुत मुबारक। एंड या सो हाँ, मेरे साथ हुआ क्या है, वो रहा मेरे लहंगा का बैग, ठीक है, बहुत हेवी है, उठता नहीं है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हेवी है, मैंने बहुत हेवी लिया है लहंगा। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मैं रात में अपने रूम में लहंगा लेकर के आई हूँ और उसके बाद फिर जैनब बॉबी जो है, जैनब को मैं बोली कि यार मेरा लहंगा आ गया, मैं रिसीव कर ली, तो जैनब बोली ठीक है मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ आप मुझे दिखाइए, तो मैं जैनब को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल करने के बाद मैंने बैग खोले हैं, बैग के अंदर था लहंगा, उसका ब्लाउज एंड उसका चुन्नी और लटकन, ये 4 चीज़ था, जबकि लहंगा के अंदर होना चाहिए था 5 पीस, 2 दुपट्टे होने चाहिए थे, लहंगा होना चाहिए था, ब्लाउज होना चाहिए था एंड तब लटकन होना चाहिए था। अब जो मुझे शॉक्ड लगा है, मतलब आई वॉज ऑन वीडियो कॉल एंड उसको भी, जैनब को भी दिख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक्ड में है, तो जैनब मुझे बोली कि अच्छा कोई नहीं, आप एक बार अभी उनको कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप रिमाइंड करा दीजिए, आप उनको एक बार बता दीजिए कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है, तो मैं कल आऊँगी। और काफ़ी रात भी हो रहा था, मतलब 11:45 हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा रात भी तो नहीं बोलेंगे, तो मेरे पास कार्ड था उस शॉप का, तो कार्ड से मैं नंबर लेके ऐसे कॉल की हूँ ना, पता है उन्होंने उल्टा मुझे ही सुना दिया, तो ही पिक्ड अप माई फ़ोन। और देखो, अगर आप बिजनेस कार्ड पे अगर आप नंबर दे रहे हो और अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ में कॉल्स नहीं चाहिए, तो आप अपने पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ वाले का नंबर को अलग अलग रखो, ऐसा हमें भी करना होता है, हम कंटेंट क्रिएटर्स को भी करना होता है, क्योंकि लोग बहुत बार ऐसे होते हैं ना, मैनेजमेंट्स एंड ऑल, बहुत बार ऐसे होते हैं कि रात में भी हमें कॉल आ जाती है, बट आज तक हमने कभी किसी से रूडली बात नहीं करे, ठीक है। तो इसी तरीके से उस कार्ड पे जो नंबर था मैं उस पे कॉल की, और अगर कार्ड पे नंबर है, अगर आप रात में रिसीव नहीं कर सकते हैं या फिर आप रिसीव करने के मोड में नहीं है या फिर आप कभी भी, तो आप बिजनेस कार्ड पे वो नंबर दीजिए जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइम पे ही अवेलेबल हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में अलग नंबर रखिए। तो मुझे लगा कॉल करके देख लेते हैं, तो मैं 11:45 या 11:35 के आसपास में मैं कॉल की और मैं उनसे बोली कि आप इस शोरूम से बात करो, तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर बोला, फिर पूछे कि क्यों नहीं, उन्होंने बोला नहीं, तो मैं बोली कि नहीं कार्ड पे तो यही नंबर दे रखा है, तो उसके बाद फिर ना वो मतलब बहुत ही रूडली, बहुत भड़क के वो मुझे बोल रहे हैं कि ये कोई टाइमिंग होती है कॉल करने की, ये कोई टाइमिंग होता है, आप इतनी रात में आप किसी को फ़ोन कर रही हैं, ये कोई टाइमिंग होता है। तो मैं उनको बोली कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, ऐसा कुछ सीन हो गया है मेरे लहंगा के साथ, इसलिए मैं आपको भी फ़ोन की हूँ। तो फिर वो मुझे बोल रहे हैं क्या कि आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, आप टाइमिंग पे फ़ोन कीजिएगा कि आप कभी भी फ़ोन कर दीजिएगा। और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि आपके साथ क्या इमरजेंसी है, क्या सीन है, आप कल शॉप पे आइए, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से वो मुझसे चाहते तो वो बोल सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो बहुत ही रूडली, बस उनके मुँह पर यही था कि ये कोई टाइमिंग होता है कॉल करने का। मैं एक बात बताऊँ, मेरा लहंगा सच बताऊँ बहुत ज़्यादा महंगा है, वो 50,000 के आसपास का है, 50,000 के लहंगा में का अगर एक दुपट्टा मिसिंग है, विच मीन्स कि हाँ हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। सबको सोचो, हमने एक एक मोतियों की पेमेंट की है, हमने एक एक चीज़ की जब पेमेंट्स की और उसमें एक पूरा दुपट्टा ही गायब है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी का भी माइंड ऐसे हैंग करेगा, बिकॉज एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट होती है 50,000। मैं देखो, मैं तो ना तो लहंगा का प्राइस यहाँ रिवील करने वाली थी, ना मैं अपना लहंगा रिवील करने वाली थी, क्योंकि मैं आपको लास्ट के लास्ट ब्लॉग में भी बोलती कि मैं लहंगा आप लोग के साथ अभी रिवील नहीं करूंगी, लहंगा आप लोग को कभी और दिखाऊंगी, वो भी शादी के टाइम आप लोग को देखने को मिलेगा। और प्राइस भी मेरा रिवील करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन इट्स नियर 50,000, एक्यूरेट 50 भी नहीं है, इट्स नियर 50,000। तो या तो अब सोचो, उसमें का एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा हाइट का पूरा दुपट्टा गायब है, तो किसी को भी ऐसे स्ट्रेस होगा और कोई भी पैनिक हो जाएगा, और वो भी एक ब्राइडल लहंगा है। और पता है मैं क्या सोची थी, मैं सोची थी ना कि वो जिस तरीके से लहंगा आया है मैं उसको वैसे ही पैकिंग करके रख देती हूँ, शादी वाले दिन डायरेक्ट उसको निकालूंगी। सपोज अगर मैं उसको पैकिंग करके रख देती, मैं ज़ैनब को वीडियो कॉल नहीं करती, मैं ज़ैनब को दिखाने के लिए वीडियो कॉल नहीं करती, मैं उसको पैक करके रख देती उस लहंगा को, और अगर मैं शादी वाले दिन डायरेक्ट उस लहंगे को निकालती, तो फिर मेरे साथ क्या होता? कोई तो मतलब ऐसा करने वाला नहीं होता ना कि ठीक है मैं मैनेज कर देता हूँ, मैं हैंडल कर देता हूँ। इस टाइम हम शोरूम में गए थे, उस टाइम क्या हुआ था ना कि मेरे भाई लोग मतलब लहंगा वाले सेक्शन में बैठे थे, और हमें साड़ियाँ भी देखनी थी, तो साड़ी उनका उससे ऊपर वाले फ्लोर पे था, मतलब उसी शोरूम में था बट उसके ऊपर वाले फ्लोर पे था। तो हम लोग को बोले कि आप लोग चल के वहाँ साड़ी देख लीजिए, हम आपका लहंगा मंगवा के पैक कर देते हैं, लहंगा सब कुछ कंप्लीट है, बस उसको बैग में पैक करना है। तो मेरे भाई लोग नीचे बैठे हुए थे, मैं और मेरी मम्मी साड़ी देखने ऊपर चले गए थे, जैसा लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम मैं और मेरी मम्मी ऊपर वाले फ्लोर पर साड़ी देख रहे थे। तो हम लोग साड़ी देखने चले गए थे, और नीचे में इन लोगों ने लहंगा पूरा पैक कर दिया था। तो वहाँ का जो वर्कर है, वहाँ के जो स्टाफ से मिस्टेक उन लोगों की भी, अगर आपने लहंगा पैक किया है तो आप लोग हर चीज़ देख के पैक करोगे ना कि आप लोग किस तरीके से पैकिंग कर रहे हो। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई हूँ, मैंने देखा कि मेरा लहंगा फुल ऑन पैक हो चुका है। मैंने अपने भाइयों से पूछा कि लहंगा पैक हो गया, तो उन लोगों ने भी कहा हाँ पैक हो चुका है। मेरे भाई लोग को कुछ पता नहीं होता है लहंगा के बारे में कि उसमें क्या दुपट्टा होता है, क्या सीन होता है, क्या नहीं होता है। सो इस तरीके का कुछ सीन हुआ है। नाउ इट्स नेक्स्ट डे, मैं थोड़ी देर में रेडी होंगी और मैं अपने पापा के साथ निकलूंगी। टुडे इज संडे, तो हाँ संडे को भी शोरूम खुला रहता है, तो मैं बोली कि नहीं चलते हैं, चल करके हम देखते हैं। और अगर मुझे मेरा दुपट्टा नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बिकॉज ऐसे क्रैक हो जाने वाला चीज़ होगा। तो क्योंकि यार हमने उतना बार्गेनिंग भी नहीं कराया था, पहले ही ये लोग बोल देते हैं फिक्स प्राइस होता है, आप ज़्यादा लेस नहीं करा सकते हो, 15% का ऑफ मिलेगा आपको, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, बस ये लोग ऐसे बोल देते हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में ये लोग कुछ भी लेस नहीं करते हैं, कुछ भी ऑफ नहीं करते हैं। इंसान उतना बार्गेनिंग भी नहीं कराता है, इंसान पहले ही सारा फुल पेमेंट कर देता है। हम जिस दिन कोई भी कुछ भी कपड़े हम खरीद रहे हैं, हम उसी दिन फुल पेमेंट कर देते हैं, रिसीव करने वाले दिन के लिए हम पेंडिंग रखते ही नहीं है कि हम जिस दिन रिसीव करने जाएंगे उस दिन हम और पेमेंट करेंगे, अभी एडवांस कर देते, नहीं, हमारा फुल पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑलमोस्ट हमने वहां से 2 साड़ी और ली है, हमारा ऑलमोस्ट उस शॉप से 85,000 का हमने शॉपिंग करे हैं। और अगर इतना ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद भी अगर वो लोग एक दुपट्टे के लिए कुछ ऊट पटांग बिहेवियर करेंगे, तो फिर ये तो बहुत बहुत वाहियात चीज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा। बट आई एम होपिंग माई बेस्ट। और कल रात में जब मैंने कॉल किया था ना, तो आज पूरे दिन भर मैं कॉल नहीं की हूँ, क्योंकि मैं बोली मैं डायरेक्टली जाकर के मिलूंगी, बट फिर उधर से भी कुछ कॉल नहीं आया कि अगर आपने इमरजेंसी में कल कॉल किया है तो आज आपका क्या सीन है, क्यों आपने कॉल करा था, सॉरी, या फिर कुछ भी मैं नहीं बात कर पाया था। अगर आप कुछ बिजनेस हैंडल करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, आपको राइट वे पता होना चाहिए। और अगर आप जो नंबर कार्ड पे दिए हो, आप अगर उस पर अपने पर्सनल लाइफ के पर्सनल टाइम पे अगर आप नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आप कार्ड पे अलग नंबर रखो और पर्सनल लाइफ पे अलग नंबर रखो, ये चीज़ होना चाहिए सबके लाइफ में। तो अभी बस रात भर से मेरा बस यही स्ट्रेस्ड है कि बस मेरा वो दूसरा दुपट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिल जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर मेरा माइंड बहुत ऐसा हो जाएगा ना कि मैं फेंक दूंगी, मैं लहंगा भी फेंक दूंगी, मैं दुपट्टा नहीं बाई करूंगी इसके लिए, कभी भी हरगिज़ नहीं बाई करूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता है। और माइंड बहुत ऑफ है मेरा, और इसीलिए पूरा रूम देखो, अभी मैं दिखाती हूँ, मेरा पूरा रूम मैस्ड है, बहुत गंदा मैस्ड है, और कैरी बैग्स वगैरह में, हाँ देखो। तो गाइज ये रहा मेरा ट्रॉली बैग, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरे स्टमक तक आता है ये, देखो यहाँ तक आ रहा है। एंड दोनों ही ट्रॉली बैग्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इनका साइज़ है मेरे ख्याल से 77 सेंटीमीटर इसका साइज़ है, मतलब इसका जो हाइट है ना, ये पूरा इसका हाइट पूरा 77 सेंटीमीटर है, और इसका 77x47x35 ऐसे करके इसका हाइट है, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा हाइट है इसका। और इसके साथ साथ एक और ट्रॉली बैग उस रूम में रखा पड़ा है, जो कि पूरा फुल है मेरे कपड़ों से। और देखो ये सारे कपड़े जो मुझे कल रिसीव हुए, सब ऐसे कैसे रखे पड़े हैं। इधर लहंगा का बैग रखा हुआ है, लहंगा मैंने 2-3 बार खोल के देखे कि शायद अंदर में हो, अंदर में मैं पूरा लहंगा खोल के देखी, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ से मैंने लिए 2 साड़ियाँ, और यहाँ की साड़ियाँ मुझे पसंद है, ये साड़ी अच्छे लगे मुझे। इसके अंदर 2 साड़ियाँ हैं मेरी,
एक डार्क ग्रीन कलर का है और एक ये बनारसी साड़ी है। तो ये दो साड़ी मैं यहाँ से ली हूँ जो कि मुझे पसंद आया था, अच्छा लगा था। बाकी लहंगा में अगर आज दुपट्टा मेरे को मिल जाता तो सही है, दुपट्टा नहीं मिलता तो फिर भैया बहुत ज़्यादा गंदा बवाल होने वाला है। ये मैं पहले ही, और अब आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मेरी जगह पर आप लोग होते, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि विदाई का कपड़ा मैं इतना महंगा लूँगी। मेरा यही था कि मैं ऑलमोस्ट 15 to 20,000 तक मैं हैंडल कर लूँगी, बट मेरे पापा को पसंद आ गया था इसलिए हम लोग ले लिए थे। और उसके बाद फिर दुपट्टा में ये सीन हुआ है, तो आप लोग खुद सोचो कि आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप इतना महंगा कपड़े लोगे, बट आप एक्सपेक्टेशन से ऊपर बढ़ के आप इतना महंगा कपड़ा ले लेते हो। उसके बाद जब आप घर आके देखते हो और उसमें चीज़ मिसिंग होता है, जो मेन चीज़ है वही मिसिंग होता है, तो आप क्या करोगे? आप टाइम देखोगे कि आप अपना ये देखोगे कि नहीं मेरे को कॉल करके पहले बताना होगा कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, आप लोग इसको क्लियर करो। तो आप लोग पहले ये चीज़ देखोगे ना, आप टाइम तो नहीं देखोगे कि 11 बज रहे हैं कि 12 बज रहा है। मेरे को तो ज़ैनब बोली कि मैं अगर 2 बजे भी रात में खोल के देखती और मेरे साथ ये सीन होता है तो मैं 2 बजे रात में भी फ़ोन करती। और अगर आपने बिजनेस नंबर अपना ऑन कर रखा है ना तो आपको रिसीव करके आपको हैंडल करना होगा, और अगर आप रिसीव नहीं कर सकते तो आप अपना जो बिजनेस नंबर है आप उसको बंद रखो, उस टाइम पर बंद रखो जिस टाइम आपको रिसीव नहीं करना है, आपको जिस टाइम हैंडल नहीं करना है। तो बस रात से मैं स्ट्रेस में हूँ, थोड़ी देर में मैं रेडी होंगी और मैं अपने पापा के साथ निकलूंगी, क्योंकि पापा के साथ ही मैं जा सकती हूँ। और मैं दूसरे वाले दुपट्टे में ही बोलती कि पूरी मोतियाँ लगा दीजिएगा, जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग फट फट सा रहा है। होप फॉर द बेस्ट, बस यही दुआ कर रही हूँ कि मिल जाए मेरा दुपट्टा, क्योंकि देखो पूरा लहंगा के साथ सब कुछ गया होगा ना, मे बी वहाँ रखा हो। और देखो वो लोग झुठला नहीं सकते इस बात को, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। मैं बोलूँ कि आप कैमरा में चेक कर लो कि आपने बैग में कितने पैकेट्स डाले हैं और किस तरीके से डाले हो, खुद वो लोग चेक कर लेंगे, खुद उन्हें पता चल जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं यार, रेडी होके बस निकलती हूँ। पता है ये रोज़ मार्केट जाने के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, एंड देखो आइज मेरी सूज गई है। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना मेरी आँखें सूज जाती हैं, और मैं रात भर स्ट्रेस में थी, और सच में मैं स्ट्रेस में थी। सुबह मैं बहुत बताई हूँ अपने घर में, अपने पापा को भी बताई हूँ ऐसा ऐसा सीन हो गया था, मैं रात में कॉल कर दी थी तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा सुना दिया, और वो मेरी प्रॉब्लम तक नहीं पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या इशू है, क्या सीन है। तो मेरे पापा भी बोले कि देखो गलती तो तुम भी करी हो लेकिन गलती वो भी किया है। मैं बोली कि यार ब्राइडल लहंगा है ना, ब्राइडल कपड़े में कोई भी पैनिक हो जाएगा, कोई भी लड़की पैनिक हो जाएगी, क्योंकि वो लहंगा इंसान बचपन से सोचता है दैट आई विल कैरी इस तरीके से, उस तरीके से, ऐसे वैसे। मेन टाइम पे जब ऐसा होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो मतलब ये चीज़ सोच के लग रहा है यार कि अगर मैं इस लहंगे को रख दी होती उस दिन, अगर मैं निकाली होती तो क्या होता उस टाइम पे, तो ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है, हम लोग ने नहीं दिया है, ये लोग नहीं एक्सेप्ट करने वाले। जिस टाइम आपको दिलाना रहता उस टाइम, मतलब जिस टाइम बुलाना होता है कस्टमर को उस टाइम वो लोग बहुत मक्खन लगाते हैं। उसके बाद भैया अगर एक भी फॉल्ट उन लोगों की तरफ से होती है तो ऐसे करते हैं जैसे आप कौन हम कौन, ऐसा लग रहा है कि दोबारा हमने कभी शॉपिंग करनी नहीं है, अभी तो हमारी बहुत सारी शॉपिंग्स बाकी है। होप फॉर द बेस्ट यार, मिल जाए बस, इतना स्ट्रेस में ले रखी हूँ फालतू का, बस मिल जाए। सो गाइज आई एम डन, आई एम रेडी टू गो, थोड़ी सी और जुल्फों को कॉम कर लो यार। एक्चुअली मैं रेडी हुई हूँ, मैंने जुल्फे ही कॉम नहीं करे, बहुत ही बस डे क्रीम लगाई हूँ, आईब्रो फिल एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। पापा के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कैमरा पे तो बहुत बोल लेती हूँ बट मैं सामने से बोल नहीं पाती हूँ, तो ये थोड़ी सी मेरी वीकनेस है, इसलिए मैं अपने पापा को लेकर जा रही हूँ। मैं अपने पापा को बता दी थी कि मैंने रात में कॉल कर दी थी और फिर मुझे उधर से कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ गया था, तो वही मेरे पापा बोले ठीक है मैं चलता हूँ, तो इसीलिए मैं पापा के साथ जाऊँगी थोड़ी सी शेरनी बन के, अकेले तो भीगी बिल्ली बन जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसा वाला सीन हो जाता है। सो लेट्स मूव, होप फॉर द बेस्ट, बस इंशाल्लाह हमारा दुपट्टा हमें मिल जाए। Hope for the best. Let's go. Hey!
पूरा वाइन मेरा दुपट्टा मिल गया। एक्चुअली मेरा नहीं मिला, दूसरा दुपट्टा उन्होंने बना करके दिया। मेरे पापा इतना जोर का चिल्लाए ना उन लोगों पे एकदम, एक मिनट में उन लोगों ने अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करे और उन्होंने दूसरे दुपट्टे को फटाफट से मोती एंड ऑल सब कुछ लगवाए एंड फाइनली मेरा दुपट्टा मिल गया। और साथ ही साथ हमें जो साड़ी रिसीव करना था हमने वो साड़ी भी रिसीव कर ली, क्योंकि कल भी मैं दो साड़ी ली थी और आज उसका पॉलिशिंग एंड ऑल सब कुछ करके, मतलब अब मेरा इधर का सारा शॉपिंग एंड ऑल सब कुछ डन हो चुका है। या सो नाउ आई एम हैप्पी एंड नाउ आई एम टेंशन फ्री, तो अब थोड़ा थोड़ा अच्छा रिलैक्स्ड मूड वाला फील हो रहा है। सो गाइज आफ्टर खितान वी वेंट टू पटना मार्केट एंड वहाँ हमने देखे साड़ियाँ जो कि मेरी मम्मी के लिए मुझे लेना था, और मेरी मम्मी को थोड़ा सा ना हैंडमेड वर्क ज़्यादा पसंद है, तो ये हैंडमेड वर्क देखने के लिए हम पहुँचे पटना मार्केट एंड वहाँ हमने बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ के साड़ी देखे। ऐसे रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं था बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स की हूँ जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और फाइनली यहाँ से हमने तीन साड़ियाँ जो है सो डन करें जो कि बहुत प्रिटी प्रिटी सा लग रहा था। हैंडमेड साड़ियाँ ऐसे हमें खेतान में देखने को नहीं मिली बट फाइनली पटना मार्केट में इधर आए तो हमें इस टाइप की साड़ियाँ देखने को मिली। ये सिल्क का साड़ी था जो कि देखने से बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बट मेरी मम्मी को बेसिकली वो हैंडमेड वाली साड़ियाँ चाहिए थी इसलिए हमने उसे ही फाइनल करे, बट देखने से ये भी साड़ियाँ बहुत प्रिटी लग रही थी। गाइज आई एम बैक टू माई होम एंड थोड़ा थोड़ा सा से हम बचे हैं वरना हमारा पूरा कपड़ा भी गीला हो जाता और हम भी गीले हो जाते क्योंकि बरसात बाहर बहुत झमझमा के होने लगी। जैसे हम घर पहुंचे वैसे ही बारिश शुरू हुई। ये देखो खिड़की में पूरे बारिश की बूंदे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा दुपट्टा मिल गया। मेरे पापा क्या सुनाया, और एक बात बताऊं उन लोगों के साथ साथ मुझे भी सुनाया। जब मैं बोल रही थी ना कि हाँ ऐसा वैसा वैसा, मेरे पापा मुझे बहुत जोर से डांटे। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। मैं बोली ओके फाइन ठीक है, सुनाइए आप ही उन लोगों को। एकदम सब रफ्तार, सबके सब लोग एकदम रफ्तार पकड़ लिए, ये दुपट्टा वो दुपट्टा वो दुपट्टा वो दुपट्टा। विद इन 5 मिनट्स उन लोगों ने मेरे दुपट्टे को पूरा क्लीन किया है, उस पर पूरे मोतियां लगवाए हैं और उसको हर तरीके से एकदम मस्त चकाचक करके उन लोगों ने मेरे हाथ में दिया है दुपट्टा। क्योंकि आप सबको पता है जो वो वाला दुपट्टा होता है ना वो मतलब लहंगा पे सेट नहीं आता है, वो अलग से बनवा के वो लोग देते हैं। तो अब पता नहीं वो दुपट्टा कहाँ गया, बोलोगे भाई अपना कैमरा फुटेज एंड ऑल सब कुछ चेक करेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा, ये तो हमारा कुछ नहीं है ना। बट मेरे पापा बहुत ज़्यादा भर के, मेरे पापा यही बोली कि अगर मुझे किसी को देना होता कहीं सेंड करना होता और मैं ऐसे ही सेंड कर देता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। बहुत सुनाया है पापा ने, बहुत सुनाया है, सही किया है इन लोगों पापा ने, क्योंकि कल रात में जितने रूट तरीके से उसने बात किया था ना मेरे को पसंद नहीं आया। एंड सीरियसली मैं अपने पापा को भी ये बात बताई थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी एंड बहुत रात भी नहीं हो रहा था, बहुत रात का मतलब 2 बजे रात होता है भाई, आजकल तो सब लोग 12-1 बजे तक जागे ही रहते हैं। कोई नहीं आई एम हैप्पी मेरे लहंगा का वो पल्लू मिल गया है ना। या चलो अब चाय बनाते हैं मस्त कराके वाली, बाहर में मस्त बरसात हो रही है, चाय का मज़ा लेते हैं आनंद लेते हैं। एंड या आई एम सो हैप्पी नाउ, आई एम टेंशन फ्री एंड आई लाइक इट।